सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा और मासा निकालना सीखा था। अब हम इस वीडियो में उसी से जुड़े प्रश्न हल करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 125, 220 तथा 275 का लासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। तो देखिए, गुणनखंड विधि से जब हमें लासा ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग जो भी संख्याएं हमें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे 125, 220, 275 दिया हुआ है, तो उन्हें लिख लेते हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको निकालना पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं आता है तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, इनको गुणे के रूप में हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। अब देखिए, इनका आप गुणा करेंगे तो भी 125 आएगा। अब इसी तरीके से 220 को लिख लेते हैं और इसी तरीके से 275 को। अब हमने इनका गुणनखंड लिख लिया तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें देखना होता है कि कौन सी संख्या, देखिए इनको इस रूप में आप लिख लीजिए। आप जैसे 5 का 3 बार गुणा है तो 5 के घाते हम लोग इसे 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया बराबर 5 के घाते 3 और ये हो जाएगा बराबर 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 11, ये हो जाएगा 5 के घात 2 गुणे 11। अब हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, अब हम लोग को देखना होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे। तो सबसे छोटी संख्या जो तीनों में दिख रही है आपको, वह 2 दिख रही है। अब हमें क्या करना होता है, वह जो सबसे छोटी संख्या मिली है उसका मैक्सिमम घात देखना होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम घात है, जो बड़ी से बड़ी घात है, वह 2 की घाते 2 है और केवल यही है ही। अब मान लेते हैं यहाँ लिखा होता है 5 के घाते 3 गुणे 2, तो हम लोग जब लासा में लिखते तो 2 के घाते 2 ही लिखते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के घाते 2, फिर देखिए गुणे, अब इससे बड़ी जो संख्या होगी उसे देखेंगे, तो इससे बड़ा है 5, तो 5 की घात देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें सबसे बड़ी घात लिखनी होती है लासा में, तो गुणे 5 के घाते 3। फिर अब देखिए 11, इसके बाद जो बड़ी संख्या है वह 11 और 11 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो गुणे 11। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 के घाते 2 4 हो जाएगा गुणे 5 के घाते 3 125 गुणे 11। अब 4 का गुणा 125 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और 500 गुणे 11 हो जाएगा 5500, तो 5500 हमारा लासा आ जाएगा, 125, 220 और 275 का लासा 5500। अब देखिए अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, 200, 250, 300 का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि से। चलिए देखते हैं, 200, 250, 300 का लासा भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को लिख लेते हैं 200, 250, 300। अब हम लोग देखते हैं कि संख्याओं में 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि संख्याओं में इससे भाग जा रहा है कि नहीं। अब देखिए 2 से हम लोग जब भाग देंगे तो सभी यहाँ पे सम संख्याएं हैं तो सभी कट जाएंगी। तो देखिए 2 से जब भाग देंगे 200 में तो 100, 250 में तो 125, 300 में तो 150, फिर चेक करेंगे कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं। तो फिर से जब हम लोग चेक करेंगे तो 100 में और 150 में भाग जा रहा है, 125 में नहीं जा रहा है, तो भी हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 2 से भाग देने पे 50, फिर 125 में नहीं गया तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 150 में 2 से भाग देंगे तो 75। अब फिर देखेंगे किसी संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं 2 का, तो 50 में जा रहा है तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 50 में भाग देंगे तो 25 और 125 में नहीं जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे, 75 में नहीं जाएगा तो ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 2 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिससे इन संख्याओं में कोई संख्या कट सकती है, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से देखिए 25 नहीं कट रहा है, 125 नहीं कट रहा है और 75 देखिए कट रहा है, तो हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो यहाँ 25 नहीं कट रहा है तो वैसे लिख लेंगे 125 और 75 में 3 से भाग देंगे तो 25। अब देखिए
अब 3 से भी नहीं कट रहा है तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 4 से कट रहा है नहीं, फिर 5 से, तो 5 से संख्याएं कट रही हैं तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 25 और 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 5 और 1 आ जाएगा। अब देखिए जब यहां पर हमें सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं तब हम वहीं रुक जाते हैं, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करना रोक दिया। अब देखिए इन संख्याओं का हमें गुणा करना है आपस में, और यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं बची होती हैं उनका गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, फिर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ का गुणे 5 यहाँ पे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 के घाते 3। अब 2 के घात 3 8 गुणे 3 गुणे 5 के घाते 3 125, और 125 का गुणा 8 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 गुणे 3 3000 हो जाएगा, तो लासा जो हमारा आ जाएगा वह 3000 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, 101 901 तथा 1111 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमें मासा निकालना है वो भी गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों मासा में भी हम जब सॉल्व करते हैं हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होता है, तो मासा में पहला स्टेप यही होता है कि हमें सभी संख्याओं का गुणनखंड लिख लेना होता है, जितनी भी संख्याएं दी होती हैं। तो 101 देखेंगे आप तो अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा वह होगा 1 गुणे 101, और 901 का करेंगे तो आप 17 गुणे 53, और 1111 का करेंगे तो 11 गुणे 101। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, मासा में जो तीनों में उपस्थित संख्या हो वह हमें ज्ञात करनी होती है, वह हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए अभी तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, अब देखिए इसे 1 गुणे लिख सकते हैं, 1 तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमें कॉमन दिख रहा है वह 1 दिख रहा है, तो हमारा जो मासा हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, और कुछ हमें कॉमन मिल नहीं रहा है, तो इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वह 1 होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 625 3125 और 15625 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो मैंने आपको क्लास में विधि बताई थी पिछले क्लास में वह विधि देख लेते हैं, 625 3125 और 15625 यही संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या दी हुई है उसमें से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए 625 से जब 3125 में भाग देंगे तो 5 बार में यह पूरा पूरा कट जाएगा। अब जब पूरा पूरा कट जाता है तो जो भाजक होता है उससे फिर हम लोग दूसरी संख्या में भाग देते हैं। तो 625 से 15625 में भाग देंगे तो पहले 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1250, फिर घटा लेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 3 और ये 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 लिख देंगे। अब फिर से 5 बार ले जाएंगे तो ये 3125 शून्य हो जाएगा, मतलब 625 से यह दोनों संख्याएं कट जा रही हैं, तो हमारा मासा जो हो जाएगा वह 625 हो जाएगा। और इसे आप लोग एक विधि से और सॉल्व करते हैं, जैसे भाग विधि हमने लासा में देखी है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब मासा और लासा में भाग विधि में अंतर क्या है इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं यह देख लीजिए। आपको जैसे हम लोग कोई संख्या नहीं कट रही होती है तो उसे वैसे का वैसा उतार लेते हैं, जबकि मासा में आप ऐसा नहीं करते हैं, जब सभी संख्याएं कट रही हों तभी आप भाग देते हैं, और जब भी यहां पर 1 प्राप्त हो जाए आपको किसी भी संख्या में, जैसे ही 1 प्राप्त हुआ वहीं पे आपको रुक जाना है, क्योंकि मासा में आपको सभी में जो कॉमन संख्याएं हैं वह देखनी होती हैं, तो इस तरीके से आप मासा भी निकाल सकते हैं। इस विधि से भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर 625 मिलेगा। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 एवं 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी का मतलब क्या होता है, लघु, तो लघु से आप समझिए कि आपको लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होगा, यानी कि लासा
इस तरीके से आप लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में समझ सकते हैं, यानी कि एलसीएम निकालना होगा हमें दोस्तों। अब हम लोग ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनका लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 20, 25, 40 हम लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं 2 से कटता है कि नहीं, 2 से संख्याएं कट रही हैं तो 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 10, 25 और 20 हो जाएगा, फिर 2 से, तो 5, 25, 10 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 5, 25, 5 हो जाएगा, फिर 5 से तो 1, 5, 1। अब लासा लिखना है हमें, तो इन सभी का गुणा और यहाँ पर जो शेष है उसका गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पर एक 5 है वह भी यहाँ पे गुणा होगा। अब 8 गुणे 25 हो जाएगा ये, और लासा हमें 200 मिल जाएगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25, 40 से पूर्णतया विभाजित होती है वह 200 होगी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो प्रश्न है वह आपकी परीक्षाओं में, सेमेस्टर की परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। जो बच्चे चाहते हैं वो आगे सॉल्व कर सकते हैं, उनको मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है, और जिनको आगे सॉल्व नहीं करना है यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन सभी में भाग देने से जो शेषफल बचेगा वह समान होगा। मतलब अगर इसमें 5 शेषफल बच रहा है तो इसमें भी 5 बचेगा और इसमें भी 5 बचेगा। यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। और बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया है, बड़ी से बड़ी तो बड़ा महत्तम समापवर्तक, मतलब हमें मासा निकालना होगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए जो एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा वह है इन सभी संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना होगा, यानी कि डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो 590 हम 908 में से घटा लेंगे और 1014 में से घटा लेंगे। तो 908 में से घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको संकेत में दिया भी है, 318 आ जाएगा, और 1014 में से घटाएंगे तो 424 आ जाएगा। फिर इन दोनों का तो अंतर हो गया, फिर इन दोनों का अंतर हम लोग ले लेते हैं 908 और 1014 का, तो इनका अंतर आ जाएगा 106। अब जब आप लोग 106, 318 और 424 का मासा निकाल लेंगे तब जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचेगा, जो शेषफल होगा वह समान होगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और इसी तरीके से हम लोग सातवां हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। अब इन तीनों से दोस्तों हम लोग जो भाग दे रहे हैं एक संख्या में, तो 11 शेष बच रहा है और वह संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी यानी कि लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना होगा। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे, और एलसीएम किस प्रकार होगा, किस प्रकार आप निकालेंगे। देखिए एलसीएम जब आप निकाल लीजिएगा तो उस संख्या में आप 11 जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही वह छोटी से छोटी संख्या होगी। अब 11 जोड़ेंगे हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकालेंगे जब तो हमें वह संख्या मिलेगी, वह छोटी से छोटी संख्या मिलेगी जो 15, 25 और 30 से पूरी पूरी तरह विभाजित होती है। अब यहां पर बोला है कि 11 शेष रहना चाहिए, तो 11 शेष रहने के लिए संख्या 11 है अंक और बड़ी होनी चाहिए। तो 11 अंक बड़ी होने के लिए हम 11 उसमें जोड़ देंगे। अब इसी तरीके से देखिए प्रश्न संख्या 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133, 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। अब यहाँ पर हम लोग शेष 3 बच रहा है दोनों में ही, तो दोनों में से ही 3 3 हम लोग घटा देंगे, यानी कि 130 और 75 का हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है तो मासा ले लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 किलो, 45 किलो और 36 किलो के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। तो दोस्तों वह इन थैलों को क्या करता है, अब
छोटे छोटे बराबर थैलों में रख रहा है, मतलब इन सभी संख्याओं को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। हमें पता करना है कि अधिकतम भार वाला थैला क्या होगा। तो हम लोग इन तीनों का दोस्तों मासा ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अधिकतम भार वाला थैला कौन सा प्रयोग में लाया गया होगा रसायन फैक्ट्री के मालिक के द्वारा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है। प्रतीक, अजय, असलम किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, तो वह समय जब तीनों पुनः दोबारा उसी स्थान पे एक साथ होंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए, एक चक्कर जो है वह ये लोग 15, 12 और 18 मिनट में लगा रहे हैं। तो अब जो पूछ रहा है कि वह लोग फिर से कब मिलेंगे, तो तीनों कब मिलेंगे एक स्थान पे, यह निकालने के लिए आप लोग दोस्तों ये जो संख्याएं दी हुई हैं, यह जो समय दिया हुआ है 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट, इनका आप लासा ले सकते हैं। इनका जब आप लासा निकालेंगे तो जितना आएगा वही वह समय होगा जिस पे तीनों एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लासा और मासा के प्रश्न खत्म होते हैं। और दोस्तों लासा और मासा में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगली क्लास में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे सभी को पता चल जाए कि हम लोग 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं यह आपके सेमेस्टर में नहीं आते हैं, तो इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और बाकी ये प्रश्न आपके यूपी टेट में आते हैं, तो यूपी टेट के लिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इन क्वेश्चंस को बताऊंगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा में। और दोस्तों इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है या इससे बाद का लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा गणित विषय के, उस पे क्लिक करके आप जाके सभी गणित की वीडियोस को देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।